और एक के बाद एक दिन निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम भी भीतर से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। चार दिन निकल गए, चार दिन पूरे हो गए, पांचवा दिन चल रहा है, दिन तो एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं सवाल अपने आप से ये करना कि हम भी खुद भीतर से कहीं आगे बढ़ रहे हैं या वही के वही हैं। पहले दिन जैसे थे वैसे ही आज है, कुछ सुधार हुआ, कुछ बदलाव हुआ, कुछ भीतर की यात्रा हुई, कुछ जाना, कुछ समझा, कुछ भीतर से जागे। ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप से करना, दिन तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे जीवन हो चाहे पर्युषणा महापर्व हो, दिन तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल हमारे सामने यह है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। चाहे भीतर का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे तप का क्षेत्र हो, चाहे त्याग का क्षेत्र हो, चाहे क्रियाओं का क्षेत्र हो, दिन आगे बढ़ने से हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हम यदि आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर यह परिश्रम महापर्व हमारे लिए सार्थक बनेगा। प्रेम का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व, प्राप्ति का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व, पवित्रता का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व। और कल बात करी थी प्रेरणा का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व। एक परिश्रम महापर्व कितने सारे उसके प्रति उत्तर हो सकते हैं, कितने सारे उसके आंसर्स हो सकते हैं, कितनी सारी चीजें इसमें समाविष्ट है। इसलिए रोज हम एक एक आंसर खोजते जा रहे हैं कि परिश्रम महापर्व है क्या, परिश्रम यानी क्या। और शास्त्रकार परमात्मा ने जवाब दिया, शास्त्रकार भगवंतों ने जवाब दिया, शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा कि बराबर समझ लेना, कान खोलकर सुन लेना, पर्युषणा महापर्व यानी प्रसन्नता का महापर्व, जहां तन मन भीतर से प्रसन्न हो जाए, भीतर से प्रसन्नता की लहरें उठे। कल्पसूत्र महाग्रंथ का श्रवण करते हो, एक के बाद एक अवसर बनते जाए, वहां पर भी प्रसन्नता होती है। आज पूरे भारत भर में सकल संघ नाचेगा, गाएगा, झूमेगा, खुशी मनाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिश्रम महापर्व है, प्रसन्नता का महापर्व है। हम मात्र सुनते हैं, कानों पर शब्द पड़ते हैं कि प्रभु महावीर का जन्म हुआ, माता त्रिशला ने जरा भी पीड़ा रहित ऐसे परमात्मा महावीर को जन्म दिया। ये शब्द कानों में पड़ते ही हमारा मन प्रसन्नता से व्याप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा शास्त्रकार भगवंतों ने, एक बराबर समझ लेना, परिश्रम महापर्व यानी प्रसन्नता का महापर्व। परिश्रम महापर्व के कर्तव्यों का पालन करो तो भी आपको प्रसन्नता मिलती है। परिश्रम महापर्व के प्रवचनों का श्रवण करो तो भी आपको प्रसन्नता मिलती है। परिश्रम महापर्व में कोई त्यागी तपस्वी को देखकर उसकी अनुमोदना करो तो भी आपको प्रसन्नता मिलती है। परिश्रम महापर्व में आप खुद कोई छोटा सा तप त्याग कर लो, कोई छोटा सा पचखान कर लो तो भी आपको प्रसन्नता मिलती है। परिश्रम महापर्व में हम प्रतिक्रमण करें तो भी प्रसन्नता का कारण बनता है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा, शायद पूरे जैन समाज में, पूरे जैन संघ में सबसे बड़े प्रसन्नता का दिन यदि कोई हो तो वो आज का दिन है, महावीर जन्म वांचन का दिन है। ये परिश्रम महापर्व में कल्पसूत्रकार ने जो परमात्मा महावीर के जीवन को गुंथा, जो परमात्मा महावीर के जीवन को लिखा, और उसमें जब हम परमात्मा महावीर के जन्म के वांचन को सुनते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और मात्र हमने, पूरा जैन समाज, पूरा सकल संघ, सभी गुरु भगवान, सभी श्रवणी भगवान, सभी श्रावक, सभी श्राविकाएं, सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे साल में जैन समाज के लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिवस यदि कोई है तो वह आज का दिन है, परमात्मा महावीर के जन्म वांचन का दिन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं परिश्रम महापर्व यानी प्रसन्नता का पर्व।
तन मन भीतर प्रसन्न हो जाए। 30 उपवास की तपस्या वाले हो, आज 26वां उपवास हो, 25वां उपवास हो, 16 उपवास की तपस्या वाले हो, 28 की तपस्या वाले हो, मन कितना ही उद्विग्न हो, मन कितना ही परेशान हो, लेकिन जैसे पता चलता है आज प्रभु महावीर का जन्म वांचन है, भीतर से प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रसन्नता की ताकत ये परियुषणा महापर्व में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर सुन लेना, प्रसन्नता का पर्व यानी परियुषणा महापर्व। ये कल्प सूत्र की एक एक लाइन हमें प्रसन्न कर सकती है। प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु की दीक्षा हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रभु का निर्वाण हुआ, प्रभु माता के गर्भ में पधारे, एक एक पंक्ति एक एक लाइन हमें प्रसन्न बनाने के लिए काफी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परियुषणा महापर्व यानी क्या? तो कहते हैं कि परियुषणा महापर्व यानी प्रसन्नता का महापर्व। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।